Okay, dear students, and we are here again on chapter number 10, topic number 10.1.4. And get ready to burn your pencils again. And I really wish ki aap saath saath isko likhenge bhi, kyunki in the my previous lecture maine aapko oxidation number method se equations ko balance karna sikhaya hai. Aur aaj main aapko sikhaunga कि कैसे आप रिडॉक्स इक्वेशन को एक मरतबा फिर बैलेंस कर सकते हैं अगर वो किसी एसिडिक मीडियम में है. ठीक है, कंपाउंड अगर एसिडिक मीडियम में है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, ये कितना ऐसा डिफिकल्ट केस नहीं है जैसा थोड़ा सा डिफिकल्ट था आयन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इट्स क्वाइट ईजी एंड आई रियली विश यू विल बी विद मी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस. और ये भी आपको बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. सो आई रियली विश यू विल गेट गुड मार्क्स, फुल मार्क्स, यू नो. सो इसमें क्या है कि वी जस्ट गोट अ क्लोराइड आयन, राइट, वी जस्ट गोट अ क्लोराइड आयन एंड पर मैग्नेट आयन, राइट, एंड पर मैग्नेट आयन इज देयर. सो क्लोराइड आयन इज देयर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू अराउंड हियर इज दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम. द प्रोडक्ट इज क्लोरीन गैस एंड वी गॉट अनदर प्रोडक्ट विच इज मैंगनीज आयन, राइट, manganese ion. So permanganate ion, manganese ion, chlorine gas, chloride ions and chlorine gas, you know. So what we are going to do around here, we are going to split this equation in two phases, right? We are going to split this equation in two phases, right? The oxidative phase and the reductive phase. ठीक है, अब इसको अगर आप दो फेजेस में स्प्लिट करेंगे तो एक क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फेज या ऑक्सीडेटिव हाफ फेज और रिडक्टिव हाफ फेज. यू कैन राइट द वर्ड हाफ एज वेल, यू नो दैट फुल इक्वेशन विल कम आउट व्हेन यू विल ऐड दिस हाफ टू थिंग्स टुगेदर, हाफ थिंग्स टुगेदर, राइट. So in oxidative phase, what is happening? Chloride ion is converting itself into a chlorine gas. And reductive phase, MnO4-1 is turning itself into manganese ion, right? Okay, let me tell you कि ये oxidation और reduction कैसे है. Because if you just think about this thing, you know that there are how many chlorine atoms? Tell me that. How many chlorine atoms? Huh? One chlorine here, so you're going to place two here. One chloride here, going to place two here to make it two, right? Now it's balance. And you know that if you just think about electrons, two chloride ions will make sure to lose two electrons. और ये मैं आपको एक गैस भी दे रहा हूँ कि अगर जब कभी भी हेड के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा होगा ना, ये मैंने इलेक्ट्रॉन देखे हेड के साथ लिखे हैं, तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही है. ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हेड के साथ निकलते हैं तो इट लिटरली मीन्स कि आपने किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन को निकाला है. अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं टेल के साथ लिखता तो इसका मतलब है मैंने किसी कंपाउंड में एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है. तो ये हिंट ना आपने नहीं भूलना है. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीज है और यहाँ पे मैग्नीज पर मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नीज आयन है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यू नो प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे तो है. सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, आई रियली विश द कैमरा इज ओके विद मी अराउंड हियर. क्या करना होगा कि वी जस्ट हैव टू प्लेस वाटर ऑन द यू नो राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन. So, okay, fine. I will just write it with the blue. MnO4-1 will make sure to produce Mn plus 2 with the water molecules. And you know, there are 4 oxygen here. So, हमने क्या करना होगा यहाँ पे? 4 place करना होगा, ठीक है? चलिए, मैंने extra चीज़ लिखी है. I'm gonna write it again. 4H2O. अब मैंने 4 क्यों लिखा? क्योंकि देर इज 4 ऑक्सीजन अराउंड हेयर, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 4 लिखा. इट लिटरली मेक्स ऑक्सीजन बैलेंस. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन जो है आई रियली विश के बैलेंस होगा, इधर है और इधर जो है वो नहीं है. सो इधर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा. जस्ट टू प्लेस हाइड्रोजन हेयर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस.
दैट लिटरली मीन्स कि आप इसको ऑक्सीडेटिव फेज में कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ हाइड्रोजन आयंस प्लेस किए हैं और रिडक्टिव फेज में कर रहे हैं, और ये एसिडिक मीडियम भी डिक्लेयर करेगा हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो कितने हैं वहाँ पे, आठ है, सो गोना प्लेस एट हेयर, ठीक है, क्योंकि फोर टू दर एट होता है ना, सो गोना प्लेस एट हेयर। सो दैट इज व्हाट यू हैव डन दीज टू थिंग्स टुगेदर। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ कि रिडक्टिव फेज में जो है वो यहाँ पर जो मैंगनीज है वो प्लस सेवन है, और यहाँ पर जो मैंगनीज है वो क्या है, प्लस टू है। सो जस्ट नीड टू एड फाइव इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस टू मेक इट प्लस टू, ठीक है। अगर ये मैंगनीज प्लस सेवन है तो इसमें इसको प्लस टू होना है, तो पांच इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो ऐसा होगा ना। सो दैट्स द टू इक्वेशंस, राइट, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू इन दिस फेज, एंड देयर वी हैव इक्वेशन नंबर वन, सॉरी टू, एंड इक्वेशन नंबर वन इन दिस ऑक्सीडेटिव फेज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू जस्ट बैलेंस दीज टू थिंग्स टूगेदर, राइट। सो आई एम गोना रेज द मिडिल लाइन and I'm gonna write these two equations together, right? So let me write it for you. Now two chloride ions loses two electrons, right? And over here the five electrons were added to the what, to the permanganate ion, right? And eight hydrogen ions were also present. So these are the reactants. Let me write the products with the blue color. Okay, so there we have somehow blue, and the products around here is that Mn plus two and four water molecules, right? So what you see here, वट यू सी हेयर, कि यहाँ पे देखें अब दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे स्टेप नंबर वन में, तो इसको पांच कैसे मिल गए, उसने दो लूज किए थे। तो फिर अब आपने सोचना है कि ऐसा क्या करें कि इन दोनों को हम बैलेंस कर दें। तो सोचें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, राइट, और ये हमारे पास जो है वो दूसरी इक्वेशन है। अब ऐसा करें, इस इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, लेट मी डू इट फॉर यू। फाइव टूज आर टेन, फाइव वन्स आर फाइव, फाइव टूज आर टेन, सो देर आर टेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक क्लोराइड, अगर हम एक टू है, राइट, एक दस क्लोराइड जो है वो पांच क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और दस इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। यहां पर देखें, 2 multiplied by 8, 16, 2 multiplied by 1, 2, 2 multiplied by 5, 10, look at that, I have electrons balance over here, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So we have done these two things together, right? हमने इसको कर लिया है। Now what you gonna say, कि जो reactant और product में, you know, चीज़ें सेम होती हैं, उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये रिएक्टेंट्स हैं, राइट, दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स में देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या रह जाएगा पीछे आपके पास, 16 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 परमैंगनेट आयंस, and you will be having 10 chloride ions, right, and you are producing 5 molecule of chlorine gas, 2 manganese ions and 8 water molecules, right? So I really wish aapko ye samajh mein aaya hai, and we have balanced this equation. Yahan par dekho, अगर हम शुरू में देखें तो देर इज नथिंग बैलेंस इन दिस, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। हाइड्रोजन आयंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इट लिटरली मीन्स कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं
वो एसिडिक मीडियम को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन आयंस से ही हम किसी चीज़ की एसिडिटी के बारे में पता लगाते हैं. सो हाइड्रोजन आयंस आर देयर, इट लिटरली मीन्स कि एसिडिक मीडियम में आपने इसको बैलेंस किया है. सो दैट इज हाउ गोना बैलेंस दिस इक्वेशन बाय द आयन, सॉरी, इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट, इन एसिडिक मीडियम. थैंक यू सो मच, दैट्स इट.